ये देख रहे हैं जैसे आप लोग, ये दो तीन चार दिन से, पिछले हफ्ता से ये उल्लास और ये माहौल बना हुआ है पूरे भारत देश में। पूरा जयकारा, भारत माता की जय का जयकारा हो रहा है और हर घर में तिरंगा हम लोग फहरा रहे हैं। हर जगह घूम घूम के, सब जगह, न सिर्फ CRPF बल्कि हर जगह हर लोग झंडा फहरा रहे हैं। हर घर में तिरंगा फहरा रहा है। हमारा यही मकसद है इस बार, हर घर में तिरंगा फहरे और लोग गर्व से सीना तान कर भारत माता की जय अपने अपने घरों से जयकार करें। आप लोग कहाँ कहाँ तक झंडा दिया? हम लोग कल भी बाइक रैली हम लोग निकले थे, आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में सभी गांवों में घूम घूम के हम लोगों ने ये झंडा बांटा है और लोग भाग भाग के, बच्चे बूढ़े आ रहे हैं और झंडे लेके अपने घरों पर लगा रहे हैं। ये तो लोग बताएंगे, आप लोग देख रहे होंगे, लोग भाग भाग के आ रहे हैं और झंडा ले रहे हैं और गर्व से झंडा अपने उठा करके और भारत माता की जय का जयकारा कर रहे हैं। कितने तिरंगा आप लोगों ने बांट दिया? अभी तक हम लोगों ने 5000 झंडे बांट दिए हैं। अभी हमने अभी आज और कल का दिन बाकी है, अभी और इतना ही और बटेगा अभी। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा दिन है और हमारे भारत के लिए गर्व की बात है जो हम इतनी लंबी तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे CRPF सेम्बो की ग्रुप सेंटर सेम्बो की तरफ से ये निकाली गई है जुलूस, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं, हमारे जवान भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं। और ये अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें हम अपने भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम में कितनी एकता है और हम किस तरह की जुलूस और झंडा एकता बना कर निकाल सकते हैं, भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। कितना लंबा झंडा है ये? बहुत बड़ा लंबा है, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है, आकलन कर सकते हैं आप। बस थोड़ा पीछे हो ना।